हेलो एस्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। एस्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का जो तीसरा अध्याय है डीप वाटर अर्थात गहरा जल, जिसे लिखा है विलियम सी डगलस ने, इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले बताना चाहूंगा आप लोगों को, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को जरूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, जिसका कि लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह एप्लीकेशन मात्र 3 या 4 MB का है और यहां से आसानी से आप इंग्लिश का जो है प्रिपरेशन आप कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लेसन के हिंदी एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडियाज, यह सारी चीजें जो है अवेलेबल कराया हुआ है। तो आप प्ले स्टोर से नॉलेज बीम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का आपको कोई चार्ज भी नहीं देना है। तो चलिए अभी इसे डीप वाटर नामक लेसन का हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग इस डीप वाटर नामक लेसन में होने क्या वाला है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो हमारे ये जो लेखक है विलियम सी डगलस, यह जब लगभग 11 वर्ष के होते हैं तो ये तैराकी सीखना चाहते हैं, लेकिन शुरू में इन्हें जल से बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन YMCA में एक पूल होता है जहां पर तैराकी सीखने का अच्छा अवसर होता है, तो वहीं पर यह लेखक जो है तैराकी सीख रहे होते हैं। लेकिन एक दिन उनके साथ एक दुर्घटना घट जाती है और ताल में लगभग डूबने वाले होते हैं, और इसी वजह से उनके अंदर जो है उस घटना के बाद जल के प्रति नफरत हो जाता है या फिर जल के प्रति एक डर पैदा हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है, वे उस डर पर विजय प्राप्त करते हैं और बाद में एक अच्छे तैराक बन जाते हैं। तो यह सारी जो घटना है इस लेसन में घटित होने वाली है। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग इस डीप वाटर नामक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो इस लेसन की जो स्टार्टिंग वह यहां से है, इट हैड हैपेंड या घटित हुआ था, वेन मतलब जब, आई वाज मैं था, 10 or 11 years old 10 अथवा 11 वर्ष का, हैपेंड मतलब घटित होना, इट हैड हैपेंड वेन आई वाज 10 or 11 years old यानी यह घटित हुआ था जब मैं 10 अथवा 11 वर्ष का था, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न मैंने निर्णय लिया था, टू लर्न मतलब सीखने का, स्विम मतलब तैराकी या तैरना, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम अर्थात मैंने तैराकी सीखने का निर्णय लिया था, देयर वाज अ पूल एक ताल था, एट द YMCA यानी YMCA में एक ताल था, इन यकीमा मतलब यकीमा में, दैट मतलब जो कि, ऑफर मतलब पेशकश करता था या देता था या प्रदान करता था, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही रूप से, द अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी अर्थात यकीमा में YMCA में एक ताल था जो कि बिल्कुल सही रूप से अवसर प्रदान करता था, द यकीमा रिवर यानी यकीमा नदी वाज ट्रेचरस, ट्रेचरस मतलब विश्वासघाती या फिर खतरनाक, यानी यकीमा नदी खतरनाक थी, मदर कॉन्टिन्यूअली माँ लगातार रूप से वार्नेट्स चेतावनी देती थी अगेंस्ट इट इसके खिलाफ, माँ लगातार रूप से इसके खिलाफ चेतावनी देती थी, एंड केप्ट फ्रेश और ताजा रखती थी इन माई माइंड मेरे दिमाग में, द डिटेल्स मतलब विवरणों को ऑफ ईच ड्रावनिंग प्रत्येक डूबने का, इन द रिवर मतलब उस नदी में, यानी माँ लगातार रूप से इसके खिलाफ चेतावनी देती थी और उस नदी में प्रत्येक डूबने के विवरणों को मेरे दिमाग में केप्ट फ्रेश ताजा रखती थी, बट लेकिन द YMCA पूल वाज सेफ लेकिन YMCA ताल सुरक्षित था, इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप या केवल 2 or 3 feet गहरा था, एट द सैलो एंड, सैलो मतलब उथला, एंड मतलब सिरा, यानी इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड यानी यह उथले सिरे पर केवल 2 or 3 feet गहरा था, एंड और वाइल मतलब जबकि, इट वाज 9 feet डीप जबकि यह 9 feet गहरा था, एट द अदर मतलब दूसरे यानी दूसरे सिरे पर यह 9 feet गहरा था, इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप, इट वाज यह था ओनली 2 or 3 feet डीप या केवल 2 or 3 feet गहरा था एट द सैलो एंड यानी उथले सिरे पर, एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर और जबकि यह दूसरे सिरे पर 9 feet गहरा था, द ड्रॉप मतलब गिरावट, वाज मतलब था, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे यानी गिरावट धीरे धीरे था अर्थात गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी, आई गॉट मैंने प्राप्त किया या फिर लिया अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, अ पेयर मतलब एक जोड़ा ऑफ वाटर विंग्स यानी जल पंखों का, यानी मैंने जल पंखों का एक जोड़ा लिया, एंड वेंट टू द पूल और उस ताल को गया या फिर उस ताल की ओर गया,
आई हेटेड, मैं घृणा करता था टू वॉक मतलब चलने से, नेकेड मतलब नग्न, इन टू इट मतलब इसके अंदर यानी जल के अंदर, यानी मैं इसके अंदर नंगा चलने से घृणा करता था, एंड शो और दिखाने से घृणा करता था, माई स्किनी लेग्स अपने पतले लेग्स को यानी पैरों को, स्किनी मतलब पतला, आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स, यानी मैं इसके अंदर नंगा चलने और अपने पतले पैरों को दिखाने से हेटेड घृणा करता था, बट लेकिन आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने घमंड को सबड्यूड जीत लिया, एंड डिड इट और ऐसा किया, सबड्यू मतलब होता है अधीन करना या जीतना, लेकिन मैंने अपने घमंड को जीत लिया या अपने घमंड पर विजय प्राप्त कर लिया, एंड डिड इट और ऐसा किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द बिगनिंग यानी शुरुआत से ही, हावर फिर भी यानी फिर भी शुरुआत से ही, आई हैड एन एवर्जन मेरे पास एन एवर्जन एक घृणा था, टू द वाटर मतलब जल के प्रति, वेन मतलब जब, आई वाज इन इट जब मैं इसके अंदर था, अर्थात जब मैं जल के अंदर था, यानी फिर भी शुरुआत से ही जल के प्रति मुझ में एक घृणा था, वेन आई वाज इन इट जब मैं इसके अंदर होता था, दिस स्टार्टेड इसकी शुरुआत हुई, वेन मतलब जब, आई वाज मैं था थ्री और फोर ईयर्स ओल्ड तीन अथवा चार वर्ष का, इसकी शुरुआत हुई जब मैं तीन अथवा चार वर्ष का था, एंड फादर टुक मी और पिताजी ले गए मी मतलब मुझे टू द बीच मतलब समुद्र तट को, इन कैलिफोर्निया मतलब कैलिफोर्निया में, यानी इसकी शुरुआत हुई जब मैं तीन अथवा चार वर्ष का था और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर ले गए या समुद्र तट के पास ले गए, ही एंड आई वह और मैं स्टूड टुगेदर एक साथ खड़े हो गए इन द सर्फ मतलब लहर में, सर्फ मतलब लहर, यानी वह और मैं एक साथ लहर में खड़े हो गए, आई हंग ऑन, हैंग ऑन का फॉर्म है हंग ऑन, हैंग ऑन मतलब होता है लिपटना, आई हंग ऑन मैं लिपट गया टू ही मतलब उनसे, एट फिर भी द वेव्स मतलब वे लहरे, नोक तो नोक डाउन मतलब गिराना, नोकड मी डाउन मुझे गिरा दी, एंड स्विफ्ट ओवर मी और मेरे ऊपर से स्विफ्ट बही, यानी आई हंग ऑन टू हिम मैं उनसे लिपट गया, एट फिर भी द वेव्स नोकड मी डाउन लेकिन फिर भी वे लहरें मुझको गिरा दी, एंड स्विफ्ट ओवर मी और मेरे ऊपर से बही अर्थात मेरे ऊपर से गुजरी, आई वाज बरीड मैं दफना दिया गया इन वाटर मतलब जल के अंदर, मैं जल के अंदर दफना दिया गया अर्थात मैं जल के अंदर था, बरी मतलब दफनाना, माई ब्रेथ मेरा सांस वाज गॉन जा चुका था, मेरा सांस जा चुका था अर्थात मेरा दम घुटने लगा था, आई वाज फ्राइटनेड मैं डर गया था, फादर लव पिता हंसते थे बट लेकिन देयर वाज टेरर इन माई हर्ट लेकिन आतंक था इन माई हर्ट मेरे मन में, एट द ओवर पावरिंग जोरदार फोर्स मतलब बल ऑफ द वेव्स मतलब उन लहरों का, लेकिन मेरे मन में उन लहरों के जोरदार बल से टेरर था यानी कि आतंक था, यानी पिताजी हंसते थे लेकिन मेरे मन में उन लहरों के जोरदार बल से आतंक था या भय था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, माई इंट्रोडक्शन मेरा परिचय टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल से रिवाइव्ड पुनर्जीवित कर दिया अनप्लीजेंट अप्रिय मेमोरीज मतलब यादें, एंड स्टीयर्ड और उभार दिया चाइल्डिश बचकाना या बचपन का फियर्स मतलब भय, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स अर्थात YMCA स्विमिंग पूल से मेरा परिचय अप्रिय यादों को पुनर्जीवित कर दिया और बचपन के या बचकाने भय को स्टीयर्ड उभार दिया, बट लेकिन इन अ लिटल लेकिन थोड़ी देर में, वाइल मतलब जब, आई गैदर्ड मैंने इकट्ठा कर लिया कॉन्फिडेंस विश्वास, बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस लेकिन थोड़ी ही देर में जब मैंने विश्वास को इकट्ठा कर लिया अर्थात मुझ में विश्वास आ गया, आई पैडल, पैडल मतलब होता है पानी में पैर मारना, आई पैडल मैंने पानी में पैर मारा विद माई न्यू वाटर विंग्स अपने नए जल पंखों से, आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स यानी मैंने अपने नए जल पंखों से पानी में पैर मारा, वॉचिंग द अदर बॉयस दूसरे लड़कों को देखते हुए, एंड और ट्राइंग मतलब प्रयास करते हुए, टू लर्न मतलब सीखने का, बाई एपिंग देम एप मतलब होता है नकल करना यानी उनकी नकल करके, आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयस एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम यानी दूसरे लड़कों को देखते हुए और उनकी नकल करके सीखने का प्रयास करते हुए मैंने अपने नए जल पंखों से पानी में पैर मारा।
आई डिड दिस, मैंने यह किया 2 or 3 times, 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, यानी भिन्न भिन्न दिनों पर या अलग अलग दिनों पर, यानी मैंने भिन्न भिन्न दिनों पर 2 or 3 times यह किया। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग, और ठीक शुरू कर रहा था। टू फील मतलब महसूस करना, एट इज मतलब आरामदायक, इन द वाटर मतलब जल के अंदर या जल में, वेन जब, द मिस एडवेंचर या दुर्घटना हैपेंड मतलब घटित हो गया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट इज इन द वाटर वेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, अर्थात मैंने यह भिन्न भिन्न दिनों पर 2 or 3 times किया और जल के अंदर ठीक आरामदायक महसूस करना शुरू कर रहा था, वेन की तभी, द मिस एडवेंचर्स हैपेंड की तभी यह दुर्घटना घटित हो गई। तो क्या दुर्घटना घटी, आगे बढ़ते हैं। आई वेंट टू द पूल, मैं ताल के पास गया, फिर ताल की ओर गया। वेन नो वन इल्स, जब अन्य कोई, वाज मतलब था, देर मतलब वहां, जब अन्य वहां कोई न था। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन इल्स वाज देयर, मैं ताल के पास गया जब अन्य वहां कोई न था। इल्स मतलब अन्य। द प्लेस वाज क्वाइट, वह स्थान शांत था। द वाटर वाज स्टिल, जल स्थिर था या शांत था। एंड द टाइल बाथम, और टाइल का तली, वाज एज वाइट, उतना सफेद था। एंड क्लीन, और साफ सुथरा था। एज अ बाथ टब, जितना कि एक बाथ टब का, यानी एक बाथ टब की तरह टाइल का तली सफेद और साफ सुथरा था। टाइल मतलब खपरेल होता है, तो खपरेल का जो तली है, ऐसा कुछ कहना चाहता है। द वाटर वाज स्टील एंड द टाइल बॉटम वाज एज वाइट एज क्लीन एज अ बाथ टब, यानी जल स्थिर था और टाइल का तली उतना सफेद और साफ सुथरा था जितना कि एक बाथ टब का, यानी नहाने वाले बड़े बर्तन का। आई वाज टिमिड, मैं कायर था अबाउट गोइंग, जाने के बारे में। इन अलोन मतलब अकेले, यानी अकेले अंदर जाने के बारे में मैं कायर था, अर्थात मैं अकेले अंदर जाने में डरा था। सो इसलिए आई सेट, मैं बैठ गया ऑन द साइड, बगल में, ऑफ द पूल मतलब उस ताल के, इसलिए मैं उस ताल के बगल में बैठ गया। टू वेट प्रतीक्षा करते हुए, फॉर अदर्स मतलब दूसरों के लिए। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, यानी मैं अकेले जाने के बारे में कायर था, अर्थात मैं अकेले जाने में डरता था। सो इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं उस ताल के बगल में बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों की प्रतीक्षा करते हुए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। I had not been, मैं नहीं हुआ, there मतलब वहाँ, long मतलब लंबा, मैं वहाँ लंबा नहीं हुआ, अर्थात मैं लंबे समय तक वहाँ नहीं था। when कि तभी, in अंदर, के मतलब आया, a big मतलब एक बड़ा, bruiser मतलब कठोर या सख्त, off a boy मतलब एक लड़का, यानी मैं वहाँ लंबे समय तक नहीं था कि तभी एक बड़ा कठोर लड़का आया, अर्थात एक बड़ा मजबूत लड़का या एक बहुत ही सख्त मजबूत लड़का वहाँ आया। प्रॉबेबली मतलब संभवतः, 18 years old, संभवतः 18 वर्ष का, प्रॉबेबली मतलब संभवतः। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रॉबेबली 18 years old, यानी मैं वहाँ लंबे समय तक नहीं था जब एक सख्त या बड़ा लड़का आया, प्रॉबेबली 18 years old, संभवतः 18 वर्ष का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही हैड, उसके पास था, थिक हेयर, घने बाल, ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर, यानी उसके छाती पर घने बाल थे। ही वाज, वह था, अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसीमैन, फिजिकल मतलब हो गया शारीरिक, स्पेसीमैन प्रतिरूप या नमूना, विद लेग्स पैरों वाला, एंड आर्म्स और बाहों वाला, दैट सोवेट, जो कि दिखाता था, रिपलिंग मतलब लहराती हुई, मसल्स मतलब मांसपेशियां, यानी उसकी बाहों और पैरों की मांसपेशियां लहराती हुई, अर्थात उनकी पैरों और बाहों में बहुत ज्यादा मांसपेशियां हैं। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles, यानी लहराती हुई मांसपेशियों को दिखा रही बाहों और पैरों वाला वह एक सुंदर शारीरिक प्रतिरूप था। He yelled, वह चिल्लाया, हाई स्किनी, हे पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक, डक मतलब होता है पानी में गोता लगाना, यानी पानी में गोता लगाना तुम्हें कैसा लगेगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। With that, इसके साथ, he picked me up, वह मुझे ऊपर उठा लिया, and tossed me, और मुझे उछाल दिया, into the deep end, गहरे सिरे पर, यानी इसके साथ उसने मुझे ऊपर उठा लिया और गहरे सिरे पर tossed, उछाल दिया। इसके बाद आगे है, I landed, मैं भूमि पर उतरा या उतरा, in a sitting position, एक बैठी हुई
पोजीशन में यानी अवस्था में, यानी एक बैठी हुई अवस्था में नीचे उतरा। साल्वेड वाटर जल को निगला अर्थात जल मुख के अंदर गया। एंड वेंट और गया एट वंस मतलब तुरंत, टू द बॉटम मतलब तली को। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन यानी मैं एक बैठी हुई पोजीशन में या अवस्था में नीचे उतरा। साल्वेड वाटर जल को निगला एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम और तुरंत तली को गया। तो जब वह गिरा तो वह बैठी हुई अवस्था में उस ताल के तली को पहुंचा था, ठीक है। आई वॉज फ्राइटनेड मैं डरा हुआ था, बट नॉट इट लेकिन उतना नहीं, फ्राइटनेड मतलब डरा हुआ, लेकिन उतना डरा हुआ नहीं था। आउट ऑफ माई विट्स कि मैं अपने दिमाग से बाहर हूँ, यानी आई वॉज फ्राइटनेड मैं डरा था, बट नॉट इट फ्राइटनेड लेकिन उतना डरा हुआ नहीं था। आउट ऑफ माई विट्स कि मैं, मेरा दिमाग जो है काम न करे या मेरे दिमाग से बाहर, मैं डरा हुआ नहीं था अर्थात मैं उतना डरा हुआ नहीं था कि मेरा दिमाग काम न करे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन द वे डाउन, ऑन द वे मार्ग पर, डाउन मतलब नीचे, यानी नीचे जाने के मार्ग पर या नीचे जाते समय आई प्लान्ड मैंने योजना बनाया। वेन माई फीट हिट जब मेरा पैर टकराता है, द बॉटम मतलब तली, यानी जब मेरा पैर तली से टकराता है, आई वुड मेक मैं बनाऊंगा अ बिग जंप एक बड़ा उछाल, यानी मैं एक बड़ा उछाल बनाऊंगा अर्थात मैं एक बड़ा उछाल लूंगा। कम टू द सरफेस तली को, यानी सरफेस मतलब सतह, कम टू द सरफेस सतह को आऊंगा, लाई लेट जाऊंगा, फ्लैट सीधा ऑन इट मतलब इस पर। देखिए व्हेन माय फीट हिट द बॉटम जब मेरा पैर तली को टकराता है, आई वुड मेक अ बिग जंप मैं एक बड़ा उछाल लूंगा, कम टू द सरफेस सतह को आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट और इस पर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल और पैर से पानी में पैर मारना होता है पैडल। एंड पैडल और पानी में पैर मारूंगा टू द एज मतलब किनारे तक, ऑफ द पुल मतलब उस ताल के, और उस ताल के किनारे तक पानी में पैर मारूंगा अर्थात उस ताल के किनारे तक पानी में पैर मारूंगा अर्थात तैर कर जाऊंगा। देखिए ऑन द वे डाउन यानी नीचे के मार्ग पर अर्थात नीचे जाते समय आई प्लान्ड मैंने योजना बनाया। When my feet hit the bottom, जब मेरा पैर तली से टकराता है, I would make a big jump, मैं एक बड़ी उछाल लूंगा, come to the surface, सतह को आऊंगा, lie flat on it, इस पर सीधा लेट जाऊंगा, and paddle to the edge of the pool, और उस ताल के किनारे तक पैर से पानी को मारूंगा अर्थात तैर कर जाऊंगा। तो paddle मतलब होता है पैर से या पानी को मारना। तो यहाँ तक फिलहाल इस वीडियो में या पार्ट वन के अंतर्गत हम लोग यहाँ तक स्टडी किए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे जो है वह बढ़ेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।